प्रिय छात्र छात्राओं, मुझे आशा है कि आप अपनी तैयारियों में जुटे होंगे और CBSE बोर्ड लगातार आपके साथ बना हुआ है। आपको जो जो आपकी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उनका निदान करने की लगातार कोशिश भी कर रहा है। अभी लगातार मेरे पास जो सूचनाएं आ रही थी और आपसे जो लगातार संवाद भी मेरा हो रहा है, तो आपके सामने पहली समस्या तो ये थी कि उन स्कूलों में जा कर के वहाँ परीक्षा देनी पड़ेगी, बहुत दूर हैं। तो ये दूसरी जगह जो सेंटर होते थे, उन दूसरी जगह सेंटर होने के को भी निस्तारित करके पहला निर्णय CBSE बोर्ड ने ये कहा था कि वो आप अपने ही स्कूल में आपका सेंटर होगा। तो ये काफ़ी कुछ सहूलियत आपको मिली होगी कि अब आपको दूसरी जगह, दूसरे केंद्रों पर परीक्षा देने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। जो इंटर और हाई स्कूल की बची हुई परीक्षाएं हैं, लेकिन अभी जो जैसे कि जो छात्रावासों में छात्र रह रहे थे, उन्होंने अपने छात्रावासों को खाली करके सभी लोग अपने अपने घरों में चले गए हैं, अपने प्रदेशों में चले गए हैं। उदाहरण के लिए नैनीताल से पीछे के दिनों में केरल लोग गए, इधर से तमिलनाडु गए, तो तमिलनाडु से पंजाब आए। तो एक जगह से दूसरी जगह हजारों किलोमीटर की दूरी करके और बच्चे अपने अपने घरों में पहुंचे हैं। अब दूसरी बड़ी समस्या जो सामने आई है कि वो फिर उनको जाना पड़ेगा अपने स्कूल में। भले ही स्कूल में आपका अपना केंद्र हो गया, लेकिन आप तो अपने घर पर हैं। और अभी चाहे वो KB का हो, चाहे वो नवोदय स्कूल के भी लगभग 3000 छात्रों को बहुत सुरक्षित इस बीच हम घर तक पहुंचा पाए थे। तो ये सब की समस्या को देखते हुए अभी CBSE बोर्ड ने ये निर्णय लिया है कि जो छात्र अब जिस जनपद में जहां पर है, उसको अपने संबंधित स्कूल को सूचना देनी पड़ेगी कि वो उस जनपद में है और उसको उसी जनपद में परीक्षा देने की अनुमति दी जाए। तो आप अपना जल्दी से जल्दी आप जिस जनपद में हैं अपने स्कूल को बताइए और बताइए कि आप वहीं पर परीक्षा देने वाले हैं, देना चाहते हैं। तो CBSE बोर्ड ये कोशिश कर रहा है कि हर हालत में आपकी सुविधा के अनुसार उसी जनपद में आपको परीक्षा देने की अनुमति होगी। जून के प्रथम सप्ताह में आपको अपने स्कूलों से लगातार संबंध करना पड़ेगा ताकि जून के प्रथम सप्ताह में आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से आपके जनपद के कौन से स्थान पर आपको परीक्षा देनी है। तो अब आप बहुत चिंतित मत रहिए, ये भी बहुत अच्छा निर्णय आपके पक्ष में हो गया। आप निश्चिंत होकर के पढ़ाई करिए। और मैं अभिभावकों से भी कहना चाहता हूँ कि उनको काफ़ी मानसिक दबाव रहा होगा, चिंतित रहे होंगे कि अब जब परीक्षाएं होंगी तो बच्चों को सैकड़ों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर दूर किस तरीके से वो जाएगा और फिर कैसे करके परीक्षा को देगा। तो आपकी भी ये चिंता कम हुई है। अब आप पूरी तन्मयता के साथ छात्र के साथ जुटे होंगे, मुझे आशा है। और मेरे छात्र छात्राएं, मुझे आप पर बहुत गर्व महसूस होता है कि आप बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मस्ती के साथ आपने इस समय को बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग में लाई हैं। आप अच्छे तरीके से उसका आपने उपयोग किया, बहुत अच्छी तरीके से आपने सब लोगों के साथ हंसी खुशी के माहौल में, मस्ती के माहौल में अपनी पढ़ाई भी शुरू की और अपने को सुरक्षित भी रखा है और अपने परिवार को भी आपने सुरक्षित रखा है। तो मैं फिर आपको शुभकामना दे रहा हूँ कि जो अगला एक के बाद एक जो आपके पक्ष में ये निर्णय हो रहे हैं, ये आप इनसे खुश तो होंगे ही, लेकिन उन निर्णयों को अपनी और अच्छी योग्यता बढ़ाने की दिशा में आप और मेहनत कर रहे होंगे। मुझे आशा है, भरोसा भी है आप पर कि आप बहुत, जो आपके प्रश्न पत्र होने वाले हैं भविष्य में, उसको बहुत अच्छी तरीके से आप देंगे। मैं एक बार फिर आपको शुभकामना देता हूँ।